हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दो बुक आपका, एक डिफरेंशियल कैलकुलस है, एक इंटीग्रल कैलकुलस है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो आपका 4 यूनिट है, बाकी यूनिट जो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस में है। तो फर्स्ट यूनिट में जो आपका है वो है सिक्वेंस में आपका व्हाट इज सिक्वेंस, एग्जाम्पल कन्वर्जेंस सिक्वेंस क्या होता है, बाउंड्री सिक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक सिक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, सब कुछ डिस्कस किया गया। अभी तक आपने नहीं देखा है, अभी आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके प्रीवियस लेक्चर अपना कंप्लीट करिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, लिंक ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए। आप कहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर अपनी इशू या जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं, मैक्सिमम आपके प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आज हम मोनोटोनिक सीक्वेंस हमने पढ़ा है। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और एक इंक्रीजिंग होता है, और डिक्रीजिंग होता है एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो मोनोटोनिक होने के लिए या तो कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, दोनों कंडीशन में से कोई एक हो जाए तो हम कह देंगे वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस के कुछ थ्योरम्स हैं, उसको हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला थ्योरम क्या कहा जा रहा है। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं कि कहाँ चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास। तो एएसटीज पे चल रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास, कंटिन्यू अब डेली लेक्चर आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है, देखिए आप भी देखिए। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एबव डाइवर्ज टू इनफाइनाइटली, क्या कर रहा थ्योरम देखिए। अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट, यहां पर क्या है, नॉट बाउंडेड एबव डाइवर्ज टू इनफाइनाइटली। मतलब ये आपसे बोला गया है कि कोई भी आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर वो बाउंडेड एबव नहीं है तो कहाँ कन्वर्ज करेगा, इनफाइनाइट पे कन्वर्ज करेगा। लेट एग्जांपल, आप मैं आपको एक सीक्वेंस लेता हूँ, एन ले रहा हूँ, एन इक्वल टू एन लेते हैं, एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के जो टर्म हम आएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे आएंगे। इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड जो है, लोअर बाउंड वो क्या है, सॉरी 1 है, यानी ये सीक्वेंस जो है आपका बाउंडेड बिलो है, क्या है, बाउंडेड बिलो है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट जो है सीक्वेंस का, हम नहीं बता सकते। हमें इतना पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 है। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा किसी भी सीक्वेंस का उसे लोअर बाउंड कहते हैं, और जब ये हो जाता है तो हम कहते हैं कि बाउंडेड बिलो है। और सबसे इसका लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, इसमें आपको पता नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अनबाउंडेड एबव है, अनबाउंडेड एबव है, यानी वो नॉट बाउंडेड एबव। तो यही थ्योरम में बोला जा रहा है कि कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग में तो है सीक्वेंस, देखिए इंक्रीजिंग में है, और वो बाउंडेड एबव नहीं है तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, इनफाइनाइट पे कन्वर्ज करेगा। यही थ्योरम में पूछा जा रहा है, आपको यही प्रूव करना है कि एक आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लीजिए और वो बाउंडेड नहीं है तो उसको आप वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, वो इनफाइनाइट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। यही इस थ्योरम में पूछा जाए। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये क्या है, ये बाउंडेड एबव नहीं है क्योंकि इसका जो अपर बाउंड है ये हमें नहीं पता है। तो डायरेक्टली आप ये बोलेंगे एक सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, इनफाइनाइट पे कन्वर्ज कर रहा है। मतलब ये है कि कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज करेगा, किस पर, इनफाइनाइट पर डाइवर्ज करेगा। मतलब कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड एबव नहीं है तो वो डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पे, क्या करेगा, प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्स करेगा, ठीक है। बाय मिस्टेक अगर मैंने कन्वर्ज बोल दिया हो तो उसको आप ठीक करिएगा,
कि मतलब कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं है तो डाइवर्ज करेगा। क्या डाइवर्ज करेगा? इन्फिनिटी पे वो डाइवर्ज करेगा, कन्वर्जेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे थ्योरम को हम प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिक्वेंस लिया an बी अ इंक्रीजिंग सिक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड एबव। एक सिक्वेंस हमने ले लिया an, जनरल सिक्वेंस हमने ले लिया an, जो क्या है वो बाउंडेड एबव, मतलब क्या है वो बाउंडेड एबव नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टेक एनी रियल नंबर k ग्रेटर देन जीरो। एक हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर k लेते हैं जो जीरो से क्या है, बड़ा है। नाउ an इज नॉट बाउंडेड एबव, an क्या है बाउंडेड एबव नहीं है, मतलब बाउंडेड एबव नहीं है, यानी क्या मतलब हुआ, उसका जो सबसे अपर बाउंड जो है उस सेट के पास नहीं है, क्या है नहीं है। देयर एग्जिस्ट, एक एन जीरो नेचुरल नंबर से ऐसा आपको एग्जिस्ट करेगा जो इस सीक्वेंस का जो एन जीरो टर्म है, ए एन जीरो टर्म ऐसा है जो उस के से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, के से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो वो बाउंडेड एबव नहीं हो रहा है। तभी तो क्या हो रहा है, वो बाउंडेड एबव नहीं हो रहा है, क्योंकि उस के से भी क्या है, उस सीक्वेंस का टर्म जो मिलेगा, एन जीरो टर्म मिलेगा, वो बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, ए सीक्वेंस, नाउ सीक्वेंस ए एन इज ऑल्सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ए एन क्या है, बड़ा है या इक्वल है ए एन जीरो से, और ये के भी क्या हो रहा है, इससे बड़ा ऑलरेडी है ही है, एन या एन से बड़ा, उस एन सीक्वेंस का जो टर्म है एन, एन जीरो से क्या, एन क्या होगा, या तो एन जीरो के इक्वल हो जाएगा, या उस एन जो है एन जीरो से क्या होगा, वो एन बड़ा टर्म, उसके अगला टर्म आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ए एन टर्म है वो के से क्या है, बड़ा है। ए एन टर्म क्या है, के से बड़ा है। आप फॉर एन ग्रेटर देन एन जीरो, इसका मतलब क्या कर रहा है कि हमें पता नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है इस सीक्वेंस के पास क्या है, अपर बाउंड नहीं है। क्या है, अपर बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, तो इस सीक्वेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे वो डाइवर्ज करेगा। चलिए इसका हम आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, तो आइए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अभी जो प्रीवियस थ्योरम हमने देखा था उसमें ये था कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है वो बाउंडेड एबव नहीं है तो डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक उसका रिवर्स कह सकते हैं आप, अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो नहीं है तो डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी पे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, ए एन इक्वल टू, अगर हम माइनस एन लें इस सीक्वेंस में देखेंगे आपका सबसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे ही आगे आपको टर्म आएंगे, तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर जो भी बड़ा होता है वो छोटा होता जाता है, ये आपको पता है। तो माइनस वन सबसे बड़ा एलिमेंट है इस सीक्वेंस का, तो यानी इसका अपर बाउंड क्या है, माइनस वन है, ये बाउंडेड एबव है। लेकिन इसका सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो हमें नहीं पता है, क्या है वो हमें नहीं पता है कि सबसे इसका छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, तो ये अनबाउंडेड बिलो है, इसका सबसे छोटा एलिमेंट नहीं पता है तो ये अनबाउंडेड बिलो है, यानी इसका लोअर बाउंड नहीं पता है। तो ये इस टाइप का जो भी सीक्वेंस होगा उसको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये माइनस इन्फिनिटी पे क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है। तो इस थ्योरम का एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया हूँ, उस एग्जांपल से भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए थ्योरम क्या कहता है, अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। अ मोनोटोनिक सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो देन डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, सेम वही पैटर्न है प्रूफ करने का। तो देखिए कैसे हमको प्रूफ करेंगे, कोई एक सीक्वेंस ले लेंगे ए एन बी आर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो नहीं मतलब बाउंडेड बिलो नहीं मतलब उसका लोअर बाउंड नहीं पता है उस सीक्वेंस का, ऐसा सीक्वेंस हमने कंसिडर कर लिया। कोई भी आप एक रियल नंबर ले लें, टेक एनी रियल नंबर लेस देन जीरो, आप एक कोई रियल नंबर ले लें जो जीरो से क्या है, छोटा है। ना ए एन इज नॉट बाउंडेड बिलो, इसका मतलब क्या है, ए एन बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, उसका लोअर बाउंड पता नहीं है, मतलब उस सेट के
एलिमेंट का सबसे जो छोटा एलिमेंट है उस मतलब उस सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट है वो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमें एक ऐसा देयर एग्जिस्ट एन जीरो मिलेगा नेचुरल नंबर से, एन जीरो सच डेट एन जीरो लेस देन हो जाएगा किससे, किससे हो जाएगा, इस के से, जो के हमने कंसीडर किया है के लेस देन जीरो से क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, दिस इंप्लाई एन जीरो लेस देन एन फॉर एन ग्रेटर देन एन जीरो, यानी ये सीक्वेंस क्या है, जो भी टर्म है एन जो है लेस होगा या इक्वल होगा एन जीरो, जो जो एन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है और वो लेस होगा किस से, के से, फॉर एन या एन से बड़ा, एन जीरो से बड़ा जो भी सीक्वेंस के टर्म एन मिलेगा उससे। इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो नहीं है, तो क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी पे। वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, स्टॉप करके और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोला गया है, इफ द सीक्वेंस ए एन एंड बी एन डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, मतलब दो सीक्वेंस हमारे पास है ए एन बी एन है, वो क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं इन्फिनिटी पे, देन ए एन प्लस बी एन एंड ए एन इंटू बी एन आल्सो डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। देखिए कहने का मतलब दो सीक्वेंस हमने ले लिया, ए एन इजकल टू ले लिया एन और बी एन इजकल टू हमने ले लिया टू एन ले लेते हैं, ये दोनों सीक्वेंस क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अब हमसे बोला गया है कि दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी ए एन प्लस बी एन दोनों को ऐड करेंगे तो थ्री एन आएगा, आल्सो डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी पे, और दोनों का प्रोडक्ट यानी ए एन एंड बी एन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, टू एन स्क्वायर आएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी दोनों में रखेंगे, डाइवर्जन कैसे चेक करें आपको पता है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो ये दोनों पे क्या करेगा, इन्फिनिटी पे टेंस करेगा। बस सिंपल कहने का मतलब ये है, ये काउंटर एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल से थ्रू भी समझ सकते हैं, थ्योरम का ये एग्जाम्पल समझ एग्जाम्पल है। दो सीक्वेंस हमने लिया ए एन और बी एन, अगर दोनों इन्फिनिटी पे टेंड करते हैं मतलब डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो उनका एड और मल्टीप्लीकेशन करें तब भी वो क्या करेगा, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, यानी प्लस इन्फिनिटी पे वो टेंड करेगा, ठीक है। थ्योरम का कहने का मतलब ये है। अब हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए टेक एनी नंबर के ग्रेटर देन जीरो, द सीक्वेंस एन डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। अगर मान लो कोई सीक्वेंस है हमारे पास इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर रहा है, तो कोई भी आप के वन एक नंबर ले लीजिए ग्रेटर देन जीरो, उसके लिए एक एन वन नेचुरल नंबर से मिलेगा सच डेट कि जो हमारा ए एन है वो ए एन है उस के वन से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो एन वन के बराबर एन हो या एन वन से क्या हो वो बड़ा हो। यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी आप नंबर एक पॉजिटिव नंबर लेके के वन लीजिए, वो सीक्वेंस के हर टर्म से क्या होगा, पर सीक्वेंस के टर्म्स एक ऐसा एन वन मिलेगा नेचुरल नंबर से जो या तो एन वन के इक्वल हो या एन वन से बड़ा हो, उस सीक्वेंस का जो टर्म है ए एन उस केस से क्या है, के वन से क्या है, बड़ा हो रहा है। अभी प्रीवियस थ्योरम देखा था, इसका मतलब क्या है, वो डाइवर्ज कर रहा है, तो ये आपकी कंडीशन है। अगेन द सीक्वेंस बी एन इज डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, तो दूसरा हमें मिलेगा एक के टू मिलेगा, उसके लिए एक हमें एन टू मिलेगा नेचुरल नंबर से, सच दैट बी एन भी क्या करेगा उस के टू से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो वो एन टू के इक्वल हो एन या उनसे बड़ा हो। अब हम क्या करेगा, इन दोनों से बड़ा मतलब एक नंबर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एन वन और एन टू का जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, एन जीरो। अब एन जीरो लेंगे और दिखा देंगे कि दोनों का प्लस एड और मल्टीप्लीकेशन उससे क्या है, बड़ा है। यानी हमने लेट एज्यूम कर लिया कि एन जीरो है जो ये एन वन और एन टू से क्या है, एक बड़ा नंबर एन जीरो हमने ले लिया। तो हम देख ये रहे हैं कि दोनों को ऐड करने पे, ए एन प्लस बी एन को ऐड करने पे, एक के वन के टू से क्या हो रहा है, छोटे हो रहे हैं, चाहे वो एन हो या एन जीरो से क्या हो, बड़ा हो, एन जीरो या एन जीरो से बड़ा हो। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, के वन के टू से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी एन जीरो के इक्वल हो रहा है टर्म एन या उससे बड़ा हो रहा है। तो हम कहेंगे बोथ ए एन प्लस बी एन एंड ए एन इंटू बी एन डाइवर्ज करेगा कहाँ पे,
प्लस इन्फिनिटी पे। तो वीडियो स्टॉप करके इस थ्योरम को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या पूछा गया हमारा, कोई सिक्वेंस हमारे पास ए एन है जो डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, मतलब उसकी वो डाइवर्जेंस सिक्वेंस है वो प्लस इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। बी एन हमारा क्या है, कोई बाउंडेड सिक्वेंस है। बाउंडेड सिक्वेंस की दो डिफिनेशन है, या उस सिक्वेंस बाउंडेड, कोई सिक्वेंस बाउंडेड कब होता है, बी एन इज बाउंडेड कब होगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। बाउंडेड होने के लिए कोई भी आपको ऐसा पॉजिटिव नंबर देयर एग्जिस्ट एम ऐसा मिल जाए ग्रेटर देन जीरो सच देयर, इस सिक्वेंस का अगर हम मॉडुलस लें तो क्या हो जाए, लेस देन एम हो जाए, एक डिफिनेशन ये हो गया। दूसरा, बी एन इज बाउंडेड तो उसके पास लोअर बाउंड हो और उसके पास अपर बाउंड हो, ये दो डिफिनेशन है बाउंडेड सिक्वेंस होने की, बताया भी गया है और आप यहां भी देख सकते हैं। तो बाउंडेड सिक्वेंस बी एन है, देन दोनों को ऐड करेंगे ऑब्वियस है वो डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी पे, क्या करेगा, जाएगा ही जाएगा। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, द सिक्वेंस एन इज बाउंडेड, सिंपल डिफिनेशन है बस, देयर एग्जिस्ट एक केवन आपको ग्रेटर देन जीरो नंबर मिलेगा सच दैट, जो उस सिक्वेंस का जो बी एन का मार्वलस ले उस केवन से लेस होगा फॉर एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। द सिक्वेंस एन इज, अब देखिए बाउंडेड की डिफिनेशन आपने जान ली यहाँ पर। अब देखिए दूसरा क्या है, एन डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो फॉर एवरी मतलब कोई भी के ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ऐसा एन जीरो मिलेगा नेचुरल नंबर से सच दैट ए एन ग्रेटर देन के प्लस के वन फॉर ऑल, या तो वो एन जीरो के इक्वल हो एन, या वो एन जीरो से क्या हो एन बड़ा हो, हाँ जो सिक्वेंस का टर्म होगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो वी हैव, अब दोनों अब सिक्वेंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो ए एन प्लस बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन माइनस मॉड बी एन। अब यहाँ पर एक मॉडुलस की डिफिनेशन होती है कि अगर कोई निगेटिव मॉड फंक्शन, सपोज यहाँ पर देखिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से हम इसको यूज कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर इसका यूज करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, के वन आ जाएगा, और ए क्या है यहाँ पर, ए एन का क्या हो जाएगा, के प्लस के वन हो जाएगा, ठीक है। ये k1 कैंसिल हो जाएगा, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 10 k ग्रेटर देन ए एन देयर एग्जिस्ट एन जीरो बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच डेट ए एन प्लस बी एन ग्रेटर देन k मिल गया, या तो वो एन जीरो के इक्वल होगा n, या n जीरो से वो बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है हमें पता ही नहीं है उसका अपर बाउंड क्या, ये लाइन का मतलब क्या है, ए एन प्लस बी एन जो है या तो उस सीक्वेंस ए एन के एन जीरो के इक्वल हो रहा है या उससे बड़ा हो रहा है, यानी हमें उसका अपर बाउंड नहीं पता है, ठीक है। तो हम इससे कह सकते हैं कि ए एन प्लस बी एन डाइवर्स करेगा क्या, प्लस इन्फिनिटी पे। कोई भी थ्योरम है उसमें अगर आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और उसका आप बाउंडेड एबव नहीं है, मतलब आपका अपर बाउंड नहीं पता है, तो डाइवर्ज करता है किस पर, प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करता है। वीडियो स्टॉप करके इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो सिक्वेंस यानी सिक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे कन्वर्जेंट के बेस पे। कोई डाउट्स अगर आ रहे हैं आपको, थोड़ा सा आप बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिल्कुल ये न्यू टॉपिक है, आप इसके पहले इसके बारे में कुछ नहीं पढ़े हैं, तो घबराइएगा मत, जीरो से शुरू करिए, यानी कहाँ से शुरू किया गया सिक्वेंस, सबसे पहले सिक्वेंस के डिफिनेशन पे जाइए, कन्वर्जेंट सिक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक सिक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सिक्वेंस क्या होता है, ऑसिलेटरी सिक्वेंस क्या होता है, जो लेक्चर हुए स्टेप बाय स्टेप हर लेक्चर को आप देखिए, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, बाय बाय।